करवा चौथ एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। पत्नी और पति के प्रति वफादारी की याद दिलाता है। ये पुरातन त्यौहार है। हमारे यहाँ भगवान राम जी ने माँ सीता पर शक करा तो माँ सीता ने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उस परीक्षा में वो पवित्र साबित हुए। ये त्यौहार उससे ही संबंध रखता है कि हर साल जिस तरीके से हम अपने मंदिर को साफ सफाई करते हैं, याद करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसी तरीके से हमारी पत्नियां इस त्यौहार को मनाती हैं। सतयुग में भगवान राम ने, जनता ने जब सीता मैया पर विलेम लगाया तो हमारी माँ सीता मैया ने अग्नि परीक्षा देकर ये साबित करा कि हम लोग पवित्र हैं। इसी तरीके से करवा चौथ पर हमारी पत्नियाँ पूरे दिन व्रत रखकर ये साबित करती हैं कि आज से पहले भी हम स्नेह करते थे, अपनी गृहस्थी चला मिल के गृहस्थी चलाते थे, आज भी हम उसी तरीके से विश्वास पात्र हैं, पवित्र हैं और आगे भी हम लोग इस बात को अपनी गृहस्थी को पूर्णता प्यार से चलाते रहेंगे। इस एवज में वो सारे दिन व्रत रखकर भूखी रहती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति पर जिसे वो परमेश्वर मानती हैं कि उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो और उसकी सारी तकलीफें वो खुद मांग लेती हैं कि वो तो उसे तकलीफ ना हो, उसके एवज में वो सारी तकलीफें हम भुगतने।